महाराज जी, गुरु नानक देव जी, ज्योतिबाव फूले जी, साहू जी महाराज, पेरियार ई वी रामास्वामी नायकर जी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, रामस्वरूप वर्मा, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, दलई सिंह यादव, मानवर कांसीराम सहित तमाम बहुजनों के, महापुरुषों में ऋषि मुनियों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबको क्रांतिकारी जय भीम करता हूँ और विनम्र नमो बधाई करता हूँ। मुझे कृपया मेरा समय बता दिया जाए, फिर मैडम बीच में उठ के ना आए, मैं उतनी देर में अपनी बात खत्म कर दूंगा। कितना टाइम आप मुझे दे रहे हैं? सो में नब्बे शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में नब्बे भाग हमारा है। लेकिन क्या नब्बे तो छोड़िए, क्या 30% भी इस देश के 90% समाज को मिल रहा है? जो लोग देश के मेहनत का समाज है, जो उत्पादन का काम करता है, जो निर्माण का काम करता है, जिन्होंने भारत के निर्माण में अपने पुरखों को खोया है, आज उनको अपने हक के लिए लड़ना पड़ रहा है। और विदेश से आकर हमारे बहुजनों से, हमारे पूर्वजों से छल कपट से सब कुछ छीनने वाले देश के सभी संसाधनों पे काबिज है। लेकिन सवाल एक है, नब्बे क्या वास्तव में नब्बे है? अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में पिछड़े वर्ग में गुर्जर समाज, यादव समाज, जाट समाज तीनों पैसे में बहुत मजबूत हैं, वो अपने आप को पिछड़ा वर्ग में गिनते ही नहीं। अब लड़ाई लड़े कौन? यहां तो जो ओबीसी के हक और अधिकार के आरक्षण की लड़ाई को भी हमारे दलित समाज के लोगों ने दिल्ली में लड़ा 1990 में, जब मंडल कमीशन की घोषणा हुई थी और सेल्फ यूनिट करने वाले राजीव गोस्वामी खुद पिछड़े वर्ग से थे। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अब सबको ये समझ आ रहा है कि हम लोग इस देश के मूल निवासी हैं, हमारा हक छीना है, हमारे हिस्से की हक मारी हुई है, जो आज का मुद्दा भी है, बहुसंख्यकों की हक मारी रोकने वाजिब हिस्सेदारी के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं। आप जरा समझिए कि ओबीसी के जब आरक्षण की बात के लिए काका कालनकर आयोग 1951 में बना, उसकी रिपोर्ट आई वो खत्ते में डाल दी, 77 में मंडल कमीशन बना उसकी रिपोर्ट आई वो खत्ते में डाल दी, 7 अगस्त 1990 को किन परिस्थितियों में मंडल कमीशन की घोषणा हुई वो शायद कुछ जो सीनियर साथियों को पता होगा, देवीलाल जी की सभा होनी थी और किस हालात में वो घोषणा हुई, और उसके बाद जब इंदिरा सानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से केस डला और मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने की जो घोषणा हुई थी उसको कोर्ट ने स्टे कर दिया, 92 में जजमेंट आया, 93 में नोटिफिकेशन आया, उसके बाद लागू हुआ। लेकिन जब 10% जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस की बात आई, पहले तो आप ये देखें ओबीसी के आरक्षण की लंबी लड़ाई है, कुर्बानी देने वालों की लंबी लिस्ट है, कितने लोगों की इस आंदोलन में जान गई है लंबी लिस्ट है, उसके बाद जाके थोड़ा बहुत मिला, और जिन्होंने मांगा नहीं, जिनको न कभी मांगना पड़ा न धरना प्रदर्शन करना पड़ा, उनको भारत सरकार ने 4 दिन के अंदर 1 दिन कैबिनेट में पास किया, अगले दिन लोकसभा में, वो भी उसका टाइम खत्म हो रहा था 1 दिन बढ़ाया गया, उससे अगले दिन राज्यसभा में, तीसरे दिन और चौथे दिन राष्ट्रपति जी के सिग्नेचर होकर नोटिफिकेशन भी चौथे ही दिन हो गया। अब सवाल एक और है, हम तो बात 49.5% की कर रहे हैं कि इतना तो दे दो, लेकिन इसमें कितना बड़ा खेल है ये शायद कुछ पढ़े लिखे विद्वान साथी जो रिजर्वेशन पॉलिसी पे नजर रखते हैं शायद वो उस बात को जानते होंगे
इसमें जो रोस्टर पॉइंट है, पहले वैकेंसी बेस्ड रोस्टर होता था, अब पोस्ट बेस्ड रोस्टर कर दिया। इस पोस्ट बेस्ड रोस्टर का कितना बड़ा नुकसान आपको हो रहा है आपको पता ही नहीं है। मैं एक मंत्री के तौर पे आपको आज बता रहा हूँ। चलो मैं अपने दिल्ली सरकार के विभाग की वैकेंसी के बारे में बताता हूँ। इवास हॉस्पिटल के अंदर 4 तरह की वैकेंसी 11-11 निकली, और ये जो रोस्टर का खेल है ये बड़ा खतरनाक खेल है। उसमें हुआ क्या, रोस्टर में क्या है, आज जो रोस्टर लागू है, पहली वैकेंसी जनरल को जाती है, दूसरी जनरल को जाती है, तीसरी जनरल को जाती है, चौथी ओबीसी को जाती है, पांचवी जनरल को जाती है, छठी जनरल को जाती है, सातवीं एससी को जाती है, और एसटी को तो जाकर 14 नंबर इंतजार करना पड़ता है। तो ये जो 4 तरह की 11-11 वैकेंसी निकली, इन 4 तरह की 11-11 वैकेंसी का मतलब 44 पोस्ट। इस 11 में 7 पोस्ट जनरल कैटेगरी की, इस रोस्टर के हिसाब से 1 पोस्ट ईडब्ल्यूएस की, 7 और 1 8, 2 पोस्ट ओबीसी की, 10, 1 पोस्ट ईडब्ल्यूएस की, सॉरी एसटी, एससी की, एसटी को तो मिला ही नहीं। यानी ओबीसी और एससी मिलाकर 3 और एसटी की 0, और जनरल कैटेगरी और उसकी ईडब्ल्यूएस लगाकर जनरल कैटेगरी की हो गई 8, यानी 8 चौक 32, 32 वैकेंसी 44 में से चली गई सीधे जनरल को। तो ये 49.5% जो हम बोलते हैं, आप जरा किसी कोई सारे गणित वणित इतना तो सब जानते होंगे भाई, 49.5% 44 का कितना हो गया, थोड़ा तो कैलकुलेट कर लो, कम से कम 21 तो मिलनी चाहिए, और 21 में हमें मिल रही है केवल 12। तो ये जो धोखा है, ये जो रोस्टर का धोखा है, इस रोस्टर के धोखे को तो हमारे ज्यादातर लोग जानते ही नहीं, और ओबीसी के ज्यादातर लोग अपने आप को ओबीसी मानते नहीं, तो लड़ाई को लड़ा कैसे जाए। उन्होंने तो मनुस्मृति में तय कर दिया, ये ब्राह्मण का काम है, क्षत्रिय का काम है, वैश्य का काम है, शूद्र का काम है। 4 मंजिला इमारत है, उसमें कोई सीढ़ी नहीं है, जो जिस इमारत में उसी में रहेगा। कोई कितना ही विद्वान बन जाए और वो सोचे कि मैं ब्राह्मण बन जाऊंगा, नहीं बन सकता। और उस मनुस्मृति में मतलब कितना बड़ा खेल है, इस खेल को समझना पड़ेगा। अगर कोई किसी ब्राह्मण से पूछे तुम किस वर्ण में आते हो, वो कहेगा मैं ब्राह्मण वर्ण में आता हूं, और जाति क्या है, जाति भी ब्राह्मण है। क्षत्रिय से कोई पूछे तुम कौन से वर्ण में आते हो, वो कहेगा मैं क्षत्रिय हूं, और कहते हो सीना भी बाहर निकालेगा, और जाति क्या है, जाति भी क्षत्रिय। वैसे से कोई पूछे तुम कौन से वर्ण में आते हो, मैं वैसे में आता हूं, और जाति क्या है, जाति भी वैसे है। पर ये जो चौथा वर्ण है, एक भी आदमी ये नहीं कहता कि मैं शूद्र में आता हूं। तो आप तो अपने आपको शूद्र मानते नहीं, और वो आपको शूद्र मानते हैं, और जब शूद्र मानते हैं तो आपको आपके अधिकार देने को तैयार नहीं है। तो हमें अपने पूर्वजों के इतिहास को पढ़ना पड़ेगा। हमारे पूर्वज बौद्ध थे, आर्यन के आने से पहले हमारी जो हड़प्पा संस्कृति थी, 200 विकसित शहर थे हमारे, 200 विकसित शहर, और हम सब लोग मिलजुल के रहते थे, उत्पादन का काम करते थे, निर्माण का काम करते थे, लेकिन रोटी बेटी रिश्ता आपस में था, चूंकि जातियां नहीं थी। और जो लोग भारत में बाहर से आए, उन्होंने हमें हजारों जातियों में बांटकर, इस 90% को हजारों जातियों में बांट के इतना छोटा कर दिया कि आज आपस में एक दूसरे को कमजोर करने में लगे, एक दूसरे से लड़ने में लगे, बुद्धि उसकी चल रही है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि पहले तो हम समस्या को समझे, फिर उसके निदान की तरफ चले। भाई पहले प्राइवेट स्कूल तो आपने देखे नहीं होंगे, कोई प्राइवेट नहीं होता था, सारे सरकारी स्कूल होते थे अब से 40 साल पहले। अमीर का बच्चा हो या गरीब का बच्चा हो, सभी उन्हीं सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। तो टीचर पक्षपात तो तब भी करता था, पर वो पक्षपात इतना करता था कि गरीबों के बच्चे को उठा के पीछे बिठा ले, अपने बच्चों को आगे बिठा ले। लेकिन पढ़ाता तो एक जैसा था, जब पढ़ाता एक जैसा था तो जिस बच्चे में दम होता था वो अपनी मेहनत से डॉक्टर अम्बेडकर बन जाता था, वो अपनी मेहनत से डॉक्टर जगदीश प्रसाद बन जाता था। लेकिन जब ये प्राइवेट, जब उन्हें लगा कि ये लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के लिए रिजर्वेशन की वजह से, और इनको जब पढ़ने लिखने का हक मिल
मिला है, इसकी वजह से धीरे धीरे आगे आने लगे। अब इनके खेतों में मजदूरी कौन करेगा? इनको तो सस्ते मजदूर चाहिए, इनकी फैक्ट्री में सस्ते मजदूर कहां से आएंगे? इन्होंने पॉलिसी बनाई कि भाई इनके रिजर्वेशन को किसी तरह खत्म करो और इनके पढ़ने लिखने के रास्ते बंद करो। आज की जो पॉलिसी है मैडम, अगर रोक लाएंगे तो बता दो, मैं रोक लेता हूँ। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर मर्तबा चाहता है, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर मर्तबा चाहता है कि दादा खाक में मिलकर गुले गुलजार होता। इस आंदोलन को जीतने के लिए अपने आप को मिटाना पड़ेगा। मैं वापस अपनी बात पे आ रहा हूं, जहां छोड़ी थी। इन्होंने क्या किया कि मैं इनके पढ़ने लिखने के रास्ते को दोबारा से बंद कर दूं, अरे सर, और साथ ही साथ इनके नौकरी में आने पर बंदिश लगा दूं। लेकिन बाबा साहब के संविधान की वजह से ना तो पढ़ना लिखना बंद किया जा सकता था, क्योंकि वोट की राजनीति है, वन मैन वन वोट, वन वोट वन वैल्यू। बाबा साहब इतनी बड़ी ताकत दे गए, अब वोट चाहिए, तो इस वोट के लिए रोक तो सकते नहीं थे पढ़ने लिखने से, ना ही नौकरी में रिजर्वेशन को खत्म कर सकते थे। पर उन्होंने इनडायरेक्ट रास्ता चुना, धीरे धीरे सरकारी स्कूलों को कमजोर करना शुरू किया और प्राइवेट स्कूल खोलने शुरू कर दिए। हालात ये आ गए पिछले इन 30-40 सालों में सरकारी स्कूल पूरे देश के बर्बाद हो गए, यहाँ तक कि पूरे देश के अंदर आपको अगर आंकड़े ना हो 1,00,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हो गए। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या हमारी जनसंख्या कम हो गई है? जनसंख्या कम हुई है क्या? नहीं हुई, तो इस समय स्कूल तो ज्यादा खुलने चाहिए थे। लेकिन सरकारी स्कूल बंद होते जा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल खुलते जा रहे हैं, और मीडियम दर्जे के पब्लिक स्कूल की फीस बच्चे की, फीस का खर्चा, किताबों का खर्चा, वर्दी का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा और फिर ट्यूशन। बड़े से बड़े स्कूल के सारे पढ़ने वाले बच्चे ट्यूशन भी पढ़ते हैं, उसके सारे खर्चे को मध्यम दर्जे के पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले एक बच्चे के खर्चे को अगर जोड़ दें, एक बच्चे की पढ़ाई पे 8,000 से 10,000 रुपया महीना खर्च होता है। हर परिवार में मिनिमम 2 बच्चे की मान लिए जाए तो 2 बच्चों की पढ़ाई पे 15,000 से 20,000 रुपया चाहिए, और हमारे समाज के तो पूरे परिवार की इनकम 15,000-20,000 रुपये महीना है। तो इस तरीके से इन्होंने धीरे धीरे स्कूलों में हमारे लोगों के आगे बढ़ने के रास्ते को बंद किया और नौकरियों में ले आए निजीकरण में ठेकेदारी। आपको जानते ताजुब होगा, आजकल ज्यादातर वैकेंसी को रेगुलर उस पर रखने की बजाय ठेकेदारी में रखा जा रहा है, और ठेकेदारी में ठेकेदार जब चाहे निकाल दे। आप और एक और खेल है, आपकी तनख्वाह अगर कम से कम 20,000 है तो आपको दिए 10,000 जा रहे हैं। आपको जानकर ताजुब होगा, मैंने भी अपने यहाँ केस पकड़ा है अपने विभाग में, उनके सारे एम्प्लॉइज के खाते उसने खुद खोला रखे हैं, उसके ATM उनके पास है, खाते धारक को यही नहीं पता उसकी कौन से अकाउंट में तनख्वाह जाती होगी। बाद में उसको कैश दे देते हैं आधा आधा, वो ठेकेदार खा जाता है वहां से और सरकार से जो कमीशन लेता है वो अलग। तो यहाँ तो हम बैठे हैं तो नजर रख के हर चीज को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी हर किसी के विभाग में जाकर पकड़ना बड़ा मुश्किल है। मेरा कहने का मतलब ये, ठेकेदारी प्रथा ने हमारे समाज के विकास को रोक दिया है, हमें बर्बाद कर दिया है, और ये लड़ाई रोड पे बड़े पैमाने पर लड़नी पड़ेगी, छोटे मोटे से काम नहीं चलेगा। जैसे हमारे वकील साहब बोल रहे थे, अब शायद चले गए, मेरे मित्र हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, वो कह रहे थे हमें जेल जाने के लिए संख्या बनानी पड़ेगी, कौन कौन जाने को तैयार है। मैं तो ये कह रहा हूँ, जितनी हमारी 90% संख्या है, 90% संख्या का मतलब 115 करोड़ लोग कम से कम, उस 115 करोड़ लोगों में से केवल 1 करोड़ भी जेल जाने को तैयार हो जाए, मांगना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं मांगना पड़ेगा। ये तो जातिगत जनगणना है, ये तो जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट का खुद का जजमेंट है, एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, और साथ में कोर्ट ये भी कहती है उसके लिए सर्वे होना चाहिए। अगर आपकी संख्या का ही नहीं पता तो एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन कितना बनता है कैसे पता चलेगा। इसलिए जातिगत जनगणना का होना जरूरी है ताकि एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन कितना बनता है, कितना देना है, ये सरकार तय कर सके। तो ये जातिगत जनगणना हर हालत में होनी चाहिए, मैं इसके पक्ष में हूँ, और ठेकेदारी प्रथा को भारत से बिल्कुल जड़ से खत्म किया जाना चाहिए। इसके लिए जो लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और हम तो इसीलिए कहते हैं कुर्सी टेम्परेरी, बहुत से लोग कहते हैं कुर्सी के बारे में सोचो, तो मैं कहता हूँ कि कुर्सी तो मैं लेके पैदा नहीं हुआ, ये तो कभी किसी की परमानेंट रही नहीं, मेरे से पहले भी मंत्री रहे, आज नहीं है, आज मैं हूँ कल मैं भी नहीं होगा, ये तो आती जाती रहती है। लेकिन ये समाज का मुद्दा और हमारा समाज, हमारे समाज के हक अधिकार ये हमेशा रहेंगे, ये हमें लड़ने के लिए रखेंगे।
पर्ची आती है, इसलिए मैं अपनी बात को ये कह के समाप्त करता हूँ। होके मायूस ना यूं शाम से डलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए, एक ही पाँव पे ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए। जय भी, जय भी।